हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अपने घर में सुरक्षित एवं ठीक होंगे। मैं मनोज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, पेंटियम पॉइंट टिगन कॉलेज दीवा, आज आपके सामने एक नए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के साथ उपस्थित हूँ। आज हम सीखेंगे कि PL SQL में एक्सप्लिसिट कर्सर को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे उसे यूज करते हैं। तो इसके लिए हमने रन SQL कमांड लाइन ओपन किया है, हमने कनेक्ट कर लिया है यानी लॉगिन कर दिया है। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो एक्सप्लिसिट कर्सर के लिए होगा। प्रोग्राम बनाने के लिए एडिटर, डी ड्राइव, हमने फाइल का नेम भी दे दिया है। जैसे ही कमांड चलाएंगे आपका नोट पैड ओपन हो जाएगा। नोट पैड में आप ये प्रोग्राम लिखेंगे। अब इस प्रोग्राम को मैं समझा दे रहा हूँ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये डिक्लेयर हमने लिखा है। डिक्लेयर के नीचे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। यहाँ से ये पूरा आपका यहाँ तक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। हम यहाँ पर जो एक एक्सप्लिसिट कर्सर बनाने जा रहे हैं उसका पर्पज है EMP टेबल से दो फील्ड की वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कराकर उसे प्रिंट करना। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहे हैं ID। ID वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप क्या है? जो ID वेरिएबल है उसका टाइप होगा employee.eid%type। दैट मींस एम्प्लॉय टेबल में EI फील्ड का जो डेटा टाइप है वही डेटा टाइप ID वेरिएबल का डिक्लेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट वेरिएबल है NM। NM वेरिएबल का टाइप है EMP.INAME%type। दैट मींस एम्प्लॉय टेबल के फील्ड एम्प्लॉय नेम का डेटा टाइप NM वेरिएबल में का टाइप होगा। अगर हम देखिए, अगर हम किसी भी प्रोग्राम में किसी टेबल के टाइप को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम टेबल नेम डॉट फील्ड नेम परसेंटेज टाइप ऐसा करके डिक्लेयर करते हैं, तो उसका डेटा टाइप जो हमने टेबल में डिफाइन करके रखा है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे ID और NM वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे कर्सर डिफाइन कर रहे हैं, कर्सर डिक्लेयर कर रहे हैं। कर्सर, फिर कर्सर नेम, कर्सर नेम हमारा EMP कर्सर है, EMP CUR इज। फिर यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं। आपको मालूम है इस कमांड जितना हमने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट EID कॉमा ENAME फ्रॉम EMP। दैट मींस इस कमांड को जब एग्जीक्यूट किया जाएगा तो एम्प्लॉय टेबल से सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे लेकिन वहां पर सिर्फ हमें दो फील्ड में ही वैल्यू प्राप्त होगी, है ना। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वह कहां स्टोर हो जाएगा? EMP कर्सर में। वह एक जो हम एक्सप्लिसिट कर्सर डिफाइन कर रहे हैं उस एक्सप्लिसिट कर्सर के द्वारा इस जो SQL कमांड जो हमने सेट की है वह EMP कर्सर या EMP CUR के द्वारा एक्सेस की जाएगी। ठीक है, पहले ही हमने बताया था कि एक्सप्लिसिट कर्सर मेमोरी लोकेशन लेता है और उस मेमोरी लोकेशन से डेटा को एक्सेस करने के लिए हम एक्सप्लिसिट कर्सर बनाते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पे एक एक्सप्लिसिट कर्सर को यहाँ पे डिक्लेयर किया है। इसके बाद हम कर्सर को ओपन करते हैं। हमने कर्सर को यहाँ ओपन किया है। कर्सर को डिक्लेयर करने का सबसे पहला स्टेप होता है कर्सर को डिक्लेयर करना, डिक्लेयरिंग अ कर्सर। कर्सर आफ्टर डिक्लेरेशन हम एग्जीक्यूशन सेक्शन में आ जाते हैं और कर्सर को ओपन करते हैं जिससे कि हम उस डेटाबेस या रियल सेट या डेटा सेट पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। हमने कर्सर को ओपन किया। नेक्स्ट, फिर हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट लूप लगाया है क्योंकि यहाँ पर जब हम एम्प्लॉय टेबल से रिकॉर्ड को रिट्राइव करेंगे तो
तो वहां पर हमको मोर देन वन रिकॉर्ड प्राप्त होंगे। तो हम वन बाई वन ही रिकॉर्ड सेट से डेटा को एक्सेस रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, एक साथ सारे रिकॉर्ड हम एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे लूप यूज किया है। और लूप के द्वारा हम क्या करेंगे, एक एक रिकॉर्ड वन बाई वन रिकॉर्ड हम एक्सेस करेंगे, उसको प्रिंट लेते जाएंगे। फिर इसके बाद हमने लिखा है फेच, फेच एमपी कर्सर इनटू IDNM, दैट मींस एमपी कर्सर की जो वैल्यू है, एमपी कर्सर एमपी सीयूआर जो हमने कर्सर बनाया है वह अभी जब फर्स्ट टाइम लूप चले तो फर्स्ट रिकॉर्ड को एक्सेस करेगा, है ना। तो जब फर्स्ट रिकॉर्ड को एक्सेस करेगा तो आप देखिए हमने जो ऊपर यहाँ कमांड लिखी है EID ENAME, यहाँ पे दो वैल्यू मिलेगी हमको, यानी यहाँ पर जो EMP कर्सर है वो दो वैल्यू लेके आएगा वहां से, ठीक है, एक एम्प्लॉई आईडी एंड नेक्स्ट सेकंड ENAME। तो ये आईडी को स्टोर करने के लिए हमने आईडी ले लेना, तो आईडी भी स्टोर करा देंगे, और जो ENAME मिलेगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, NM वैल्यू में। इस प्रकार हमने पहले रिकॉर्ड की वैल्यू को फर्स्ट रिकॉर्ड की वैल्यू जो आईडी इंप्लाई आईडी थी वो आईडी में स्टोर कराई, और जो ई नेम है हमने एनएम वैल्यू में स्टोर कराई। फिर लिखा हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट, एग्जिट व्हेन ईएमपी कर्सर ईएमपी सीयूआर परसेंटेज नॉट फाउंड, यानी लूप से हम बाहर तब आएंगे जब ईएमपी कर्सर को कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, है ना। यदि अभी पहली बार लूप चल रहा है और आपको लग रहा है कि अभी हमारे टेबल में 10 रिकॉर्ड है, ठीक है, तो 10 रिकॉर्ड तक यह जाएगा क्योंकि इसको रिकॉर्ड फाउंड होता रहेगा, और जैसे ही 10 रिकॉर्ड आपके एक्सेस हो जाएंगे 11th रिकॉर्ड नहीं मिलेगा इसको, तो यह कंडीशन वर्क करेगी और लूप से बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट रिकॉर्ड प्रिंट कर रहे थे, फर्स्ट रिकॉर्ड की वैल्यू हमने आईडी और एनएम में स्टोर करा दी। अब हमने DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन स्टेटमेंट के द्वारा हमने आईडी और एनएम की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है, और उसके बाद हमने लूप को यहाँ से ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया। फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा, सेकंड टाइम लूप चलेगा, थर्ड टाइम लूप चलेगा, यह लूप तब तक चलेगा जब तक ईएमपी कर्सर को रिकॉर्ड, ऐसी स्थिति नहीं आती कि ईएमपी कर्सर को रिकॉर्ड फाउंड ना हो, जब तक इस ईएमपी कर्सर को रिकॉर्ड फाउंड होता रहेगा तब तक यह लूप कंटिन्यू चलता रहेगा, एग्जिट नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे जो कंडीशन डिफाइन किया हमने, एग्जिट व्हेन एमपी कर्सर परसेंटेज नॉट फाउंड, जब एमपी कर्सर को रिकॉर्ड फाउंड नहीं होगा तब एग्जिट होगा, इस लूप से बाहर कंट्रोल फ्लो जाएगा। फिर जैसे ही आप रिकॉर्ड को फेस कर लें, आप कर्सर का यूज कर लें, तो आपको कर्सर को क्लोज करने की आवश्यकता होती है। तो हम क्लोज करने के लिए क्लोज स्टेटमेंट यूज करते हैं, क्लोज फिर कर्सर नेम, इस प्रकार से हम अपने कर्सर को क्लोज कर देते हैं। और कर्सर को क्लोज करने का एडवांटेज क्या है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि ओपन क्यों करते हैं। जब ओपन हम करते हैं कर्सर को, हमने पीडीएफ फाइल में बताया भी है कि जब हम कर्सर को ओपन करते हैं तो ओरेकल जो हम डेटा सेट सर्च करने वाले हैं या जिस डेटा सेट को सर्च करने के लिए हमने कर्सर बनाया है, उस कर्सर के लिए मेमोरी में एक कंटेक्स्ट एरिया क्रिएट जनरेट हो जाता है जिसे कर्सर एक्सेस करता है। अब क्योंकि हम रिकॉर्ड में वर्क कर चुके हैं और अब हमें उस कर्सर की आवश्यकता, उस मेमोरी की आवश्यकता नहीं है जिससे हम डेटा एक्सेस कर रहे थे कर्सर के द्वारा, इसलिए हम कर्सर को क्लोज कर देंगे, जिससे जो मेमोरी एरिया हमारा होल्ड किया हुआ है वह मेमोरी एरिया कर्सर द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा, उसे हम अन्य पर्पज के लिए यूज कर पाएंगे, इसलिए हम कर्सर को क्लोज करते हैं। कर्सर क्लोज किया, एंड स्टेटमेंट किया, अब ये हमारा प्रोग्राम बन गया। इसको आप यहाँ पे सेव करिए, और सेव करने के बाद देन यहाँ इसको क्लोज कर दीजिए, कर्सर प्रोग्राम बन गया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के लिए हम एट द रेट स्टेटमेंट यूज करते हैं। हमारा कर्सर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है लेकिन हमें आउटपुट नहीं प्राप्त। आउटपुट देखने के लिए हमने आपको पहले ही बताया कि सेट सर्वर आउटपुट ऑन हमने कर दिया। अब उसी कमांड को रन करिए, देखिए आउटपुट प्राप्त हो, दो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल के दो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है, एक एम्प्लॉय आईडी है एंड नेक्स्ट नेक्स्ट फील्ड है
आपका इम्प्लाई नेम। आपको देखना है कि टेबल के हेड कार्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप कमांड चला सकते हैं सेलेक्ट स्टार स्टार नहीं, दो हमने फील्ड लिया है ना, ई आई डी कॉमा ई नेम फ्रॉम एम पी। ये देखिए यहाँ पर जो रिकॉर्ड है 10,001 10,002 आई डी रमेश सूर्या, वही दो रिकॉर्ड है हमारी इम्प्लाई टेबल जो है उसमें सिर्फ दो रिकॉर्ड है, इसलिए जब हम कर्सर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वहां भी सिर्फ दो रिकॉर्ड ही डिस्प्ले हो रहे हैं, तो टू रिकॉर्ड्स हैं, है ना। इस प्रकार हम कर्सर को डिक्लेयर कर सकते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर, उसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो आज इस प्रकार हमने सीखा कि पीएल एसक्यूएल में कर्सर को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे उसे एक्सेस करते हैं। इसी प्रकार हम आपको नए वीडियो भेजते रहेंगे, आप हमारे वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करें और अलर्ट के लिए बेल आइकन पर को प्रेस करें। थैंक यू।